ओम शांति। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम कमल जेठानंद बत्रा, मैं बम्बई से हूँ और बम्बई में मैं वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट बॉम्बे में बाबू की नौकरी करता था। ये बात 1978 की है। मैं ऑफिस में बैठकर टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ब्रह्मा कुमारी का लेख था और उनके जो भी सेंटर्स हैं वो सब उन्होंने दिखाए थे। मेरी नज़र गई लंदन के सेंटर के ऊपर। मेरे को संकल्प आया। अब जो ये संकल्प शब्द है ये तो पता नहीं था, ये तो ज्ञान से मालूम हुआ है, मगर ये विचार आया कि मैं इस संस्था को ज्वाइन करूंगा तो मैं लंदन ज़रूर जाऊंगा। उस हिसाब से कोलाबा में सेंटर था तो मैं शाम को 5:15 बजे मेरी ऑफिस छुट्टी थी और मैं 5:15 निकल के वहाँ 5:30 बजे पहुँच गया सेंटर पे। तो एक नन्ही सी कन्या थी यंग एज की, उन्होंने मुझसे न नाम पूछा न पता पूछा, कुछ भी नहीं कहा। एक छोटे से कमरे में लेके गई और वहाँ मोमबत्ती जल रही थी। मुझे कहा कि आप यहाँ बैठो और इस लॉ के ऊपर कितना आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आप करो, बाकी न कोई ज्ञान दिया न कोई परिचय दिया, कुछ भी नहीं। 2 दिन मैं सिर्फ गया और फिर मुझे विचार आया कि मैं लॉ पढ़ रहा था उस टाइम केसी कॉलेज से बॉम्बे, तो मैंने कहा मैं फुर्सत में कभी इसको ज्वाइन करूँगा। फिर क्या हो गया, 2011 में आफ्टर ए गैप ऑफ 33 ईयर्स मैं वसई में रहता हूँ, वहाँ मेरे नीचे सेंटर आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सेंटर नीचे ही आ गया है और मुझे जाने की बड़ी इच्छा होती थी कि मैं जाऊँ। तो एक दिन मैंने है ना चौकीदार से पूछा कि सेंटर कितने बजे खुलता है। वो सेंटर तो नहीं था एक्चुअली, गीता पाठशाला थी, तो उन्होंने कहा ये 4 बजे खुलता है सिर्फ। तो ये 5 दिसंबर 2011 की बात है, सोमवार का दिन था। मैं 4 बजे वहाँ पहुँच गया, कोई भी सेंटर में नहीं था। एक पारसी बहन थी, नाम था जरीना बहन, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरी शक्ल देखी तो मेरी शक्ल दाढ़ी से भरी हुई थी, तो उनको लगा ये कौन आया है सेंटर के ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि आपको किसने भेजा है, तो मैंने कहा मैं अपने आप से आया हूँ और मुझे ये है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ। तो बाबा के गीत चल रहे थे उसमें मैं मस्त हो गया। उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा। तो 6 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा, मुरली भी सुनी, गाने भी बहुत सुने। जो 5:30 का गाना चलता है ट्रैफिक कंट्रोल का, योगी बनो पवित्र बनो, वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मैं खुश हो गया। कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, हाँ सिर्फ मुझे बाबा के रूम में लेके गए। तो बाबा के रूम में मैंने एक अजीब सी बात देखी, जो बाबा का जो फ़ोटो था वहाँ, तो जब मैंने उसको देखा तो ये जो आत्मा है ना ऐसे घूम रही थी कंटिन्यूसली। उसके बाद मैं 3-6 महीने जब भी बाबा के रूम में जाऊं तो वो मैं देखूं कि वो बिल्कुल ये घूमती जा रही। तो मैंने मधुबन वालों को पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बहन से पूछना। बहन से पूछना तो रह गया, खैर ये तो ठीक है। जो एक्चुअल अनुभव जो 6 दिसंबर का है वो ऐसा था कि मैं शाम को 6 बजे मुरली सुनने के बाद
बाजू में लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, तो मैं वहाँ चले गया। तो वहाँ उस दिन मेरे जूते चोरी हो गए। ज्ञान तो मैंने लिया नहीं था, 7 दिन का कोर्स तो किया नहीं था, वो जूते चुराने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया। तो किसी ने कहा कि यहाँ डेली जूते चुराते हैं, टीम है, और तुम कंप्लेंट नहीं करना, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो बात छोड़ दी। फिर ऐसे एक हफ्ता हो गया, दूसरा सोमवार आया तो मधुबन से बहनें लौट के आई थी, तो मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ कि बाबा की पहली बार मुझे टोली खाने को मिली। शाम को 4 बजे क्लास शुरू होता था, 4 से 6 बजे तक, तो मुझे टोली खाने का सौभाग्य मिला। तो उसी दिन से मेरा कोर्स शुरू हुआ। तो बहन ने मुझे कहा कि कोई भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आपसे कोर्स नहीं करवाया था। तो 5 दिसंबर और 12 दिसंबर से मेरे 7 दिन का कोर्स शुरू हो गया। मुरली के बाद शुरू होता था, जरीन बहन थी वो कराती थी, मगर इसके पहले दिन ही उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको सौमान लिखना है। तो पहला मुझे उन्होंने सौमान दिया कि मैं आत्मा महान हूँ। तो बोला कि ये 21 टाइम आपको लिखना है। तो मैं 21 टाइम लिखा करता था, डेली मुझे एक सौमान देती थी, बोले उसको आपको 21 टाइम लिखना है। तो मैं लिखता था वो सौमान। बाबा का मतलब मुझे कन्फर्मेशन निश्चय कैसे हुआ कि बाबा ने कहा कि मैं बीज हूँ। अब जो भी बीज होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता है, वृक्ष दिखाई देता है, बीज कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। वहाँ बाबा के ऊपर मेरा निश्चय बन गया कि बाबा निराकार क्यों हैं, क्योंकि बाबा बीज हैं, बाबा कभी दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद तो मुझे कोई डाउट का सवाल ही नहीं था, मैं तो बाबा का था। और आज वो दिन 5 दिसंबर और आज का दिन, ना तो मैंने कभी अमृत वेला मिस किया, ना तो नुमाशाम मिस किया। मेरी रेगुलर ड्यूटी होती थी कि 2 बार मुरली में ज़रूर सुनता था, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में। हमारे यहाँ एक ही बैंक के अंडर सेंटर था, तो उनको है ना कुछ परेशानी नहीं होती थी, मगर यहाँ जालंधर में मैंने देखा कि कभी मैं आदर्श में जाता हूँ और कभी इधर आता हूँ तो बहनों को बहुत परेशानी होती है। मैं तो मिलने बाबा से जाता हूँ, कोई चोरी चकरी थोड़ी करने जाता हूँ, बाबा की मुरली सुनने जाता हूँ। यहाँ तो मेरा जन्म ये ग्रीन पार्क में हुआ है। फिर बाबा मुझे लेके गए आदर्श में अगस्त के महीने में, 5 महीने के बाद। वहाँ को बाबा से कुछ सेवाएँ करानी थी मुझे, बाबा मुझे वहाँ खींच के लेके गए। तो इसमें क्या भरी बात है, बाबा को जहाँ लेके जाना है लेके जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। एक अनुभव तो ऐसा है कि जब मैं नया नया आया था ना, तो मेरे को जरीना बहन ने बाबा की एक छोटी फ़ोटो दी थी। मुझे 3 महीने ही हुए थे, मार्च का महीना था, 5 दिसंबर 2011 को आया और मार्च का महीना था, 12 मार्च था। तो मॉर्निंग में अमृत वेले के बाद में मैं बाथरूम गया, वो तो बाथरूम से लौट के आया तो वो फ़ोटो गायब हो गई बाबा की। अब मर्यादा का तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये मर्यादा पालनी करती है, यानी बाथरूम के बाद आपको नहाना है, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं था। मगर वो बाबा की फ़ोटो वहाँ से गायब हो गई। फिर तो धीरे धीरे मर्यादाएँ मालूम पड़ी और उसको फॉलो करते गए। तो एक ऐसा अनुभव है कि जब हम पवित्र नहीं रहेंगे तो इस यज्ञ में हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस पवित्रता, इस यज्ञ की है ना जो शक्ति है वो पवित्रता ही है। जितने आप पवित्र बनो, जितने बाबा को याद करो, और याद से ही हम पवित्र बनते हैं, और किसी को हमें याद नहीं करना है, बाबा को ही याद करना है। और मजे की बात बताऊं, शिवरात्रि थी 2012 की,
तो हमारे वहाँ प्रदर्शनी लगी थी, तो मुझे उन्होंने किताब बेचने के काउंटर पे रखा था। तो वो काउंटर पे मैंने एक किताब ली, हीरे तुल्य जीवन, वो 2 रुपए की किताब थी, वो लेके मैं घर गया। वो मैंने पूरी पढ़ डाली और उसके आखिरी पेज पे है ना, बाबा के लिए एक चार्ट बनाई हुई थी कि आप लिखो कि उसमें है ना आप अपना परिचय दो और आप में कोई विकार है तो आप लिखो। तो वो पढ़ने के बाद में मेरे में जो विकार था वो मैंने लिख के बाबा के यहाँ बाबा के रूम में रख लिया। मज़े की बात ये है कि जब वो विकार दीदी ने पढ़ा, उस सेंटर की दीदी ने, तो मुझे सेंटर पे आने को अलाउड ही नहीं करती थी, मगर मैं निमित्त मैं कभी प्रश्न उससे नहीं किया। 6 बजे हमारा सेंटर खुलता था, मैं बिल्कुल टच हो जाता था 6 बजे, 1 मिनट आगे नहीं 1 मिनट पीछे नहीं, 6 बजे टच हो जाना। ना तो कभी उसने मुझे बुलाया, ना तो कभी मुझे समझाया, ना तो कुछ बातें की, बस वो वातावरण ऐसे लगता था कि वो मुझे नहीं चाहती थी कि मैं सेंटर पे आऊँ, और मैं सेंटर पे है ना बड़े दाग से जाता था। इसमें मैंने कभी डील नहीं छोड़ी है, 6 बजे टच तो टच, आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो जब ही दो हमारे यहाँ मुंबई में 2 महीने का है ना तपस्या मास चलता है, बाकी सब जगह 1 महीने का चलता है, यहाँ तो मैंने देखा खाली 18 दिन का चलता है। हमारे यहाँ वहाँ दीदी करती थी 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और कहती थी कि सिर्फ आपको 5 मिनट मिलेंगे सवेरे आने के लिए, 6 से लेकर 6:05 तक, और 6:05 के बाद जो भी आया उसकी अटेंडेंस तो होगी मगर वो लेट मार्क किया जाएगा। तो मैं 6 के पहले मैंने अपनी है ना हैबिट बना ली कि 2 मास ही नहीं करना है, पूरी ज़िंदगी करनी है 6 बजे पहुंचने के लिए। तो मुझे उस बरस से ना अवार्ड दिया गया था कि सबसे पहले मुरली सुनने आप आते हो। ऐसे तो कई अनुभव हैं सुनाने के लिए, बहुत से बढ़िया बढ़िया हैं। तो और एक बहुत गहरा अनुभव है, मेरी बड़ी सिस्टर वहाँ शीतला देवी टेम्पल है माटुंगा में रहती है, और वहाँ एक विक्रोली सेंटर है जहाँ से मैंने यशवंतराव चव्हाण यूनिवर्सिटी से बीए का स्पिरिचुअल कोर्स किया हुआ है। ये कोर्स यशवंतराव चव्हाण ने 2012 में स्टार्ट किया था और मैंने एडमिशन ली थी। एडमिशन लेने का यही था कि आखिर बाबा का ज्ञान क्या है, बाबा चाहते क्या है हमसे, इसकी एंड क्या है, ये जानने के लिए मैंने वो कोर्स किया था। क्योंकि ज्ञान में तो इमीडिएटली तो सब बातें मालूम नहीं पड़ती है ना, धीरे धीरे मालूम पड़ती है। तो वो मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तो उस सेंटर पे मैं, विक्रोली सेंटर है जहाँ सचिन परब है ना, जो नो टबैको के है ना कार्यक्रम चलाते हैं, और नलिनी बहन है वहाँ, नलिनी दीदी है, वो चलाती है सेंटर। तो उस सेंटर से जब मैं लौट रहा था तो मैं अपनी बहन के पास चले गया रहने के लिए। मॉर्निंग में मैंने दूसरे दिन अमृत वेला किया, और वहाँ से वसई है ना कम से कम 50 किलोमीटर दूर है, ट्रेन से जाना पड़ता है। मैं मॉर्निंग में अमृत वेले करके उठा और मैंने कहा बाबा मुझे तो सेंटर जाना है। अब ना तो बस आए ना तो टैक्सी आए, बस संकल्प किया कि मुझे अपने सेंटर जरूर पहुँचना है 6 बजे। तो इतने में एक बंदा आया मोटर बाइक के ऊपर, कहता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो वहाँ सिद्धिविनायक टेम्पल है परेल में, बोलते हैं आपको सिद्धिविनायक टेम्पल जाना है क्या, गणेश का टेम्पल है। मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे स्टेशन छोड़ दो आप। तो स्टेशन मुझे उसने दादर स्टेशन छोड़ दिया, और वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ के अपने वसई सेंटर आया और अपने सेंटर पर पहुँच गया। अब उस दिन अगर मैं वो मुरली नहीं सुनता तो एक बहुत गहरा अनुभव था वो मुझे सुनने नहीं मिलता। तो उस दिन एक डॉक्टर बहन ORC से आई थी और वो अपना अनुभव सुना रही थी कि ORC में हमें सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे अनुभव सुनाने के लिए। तो उसने अपना अनुभव सुनाया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अगर आज मैं मुरली मिस करता तो ये अनुभव मुझे सुनने नहीं मिलता। तो देखो मुरली सुनने से क्या होता है,
कई बातें हैं ना मालूम पड़ती हैं, नए अनुभव होते हैं, डेली डेली के अनुभव हैं। बाबा तो मुझे डेली अनुभव कोई ना कोई कराता है। कभी भी मुझे बस नहीं मिले, बाबा को बोला और इमीडिएटली बस आ जाती है, ऑटो आ जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। बस मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए आई एम एंडिंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा।